हेलो व्यूज़, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ रबता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि मैं ठीक ठाक डिप्रेशन का शिकार हो चुका था, क्योंकि आप लोगों को मैंने नंबर दिया, काफ़ी लोग मुझे कॉल करके मैसेज करके काफ़ी डिस्टर्ब किया। यही कि उन्होंने मुझे गालियाँ दी, ये भी नहीं कि उन लोगों ने मुझे बुरा भला कहा है, या ये भी नहीं कि उन लोगों ने मुझे अपने प्यार की कोई कमी नहीं महसूस करवाई, पर मुझे डिस्टर्ब इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं ऑलरेडी जॉब करता हूँ। ठीक है, बीच में आप लोगों की काले आना, व्हाट्सएप पे मैसेज आना, और मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने आप लोगों को अपना रियल नंबर दे दिया था, जो मैं एक ही यूज़ करता हूँ। मैंने आज तक लाइफ में कभी भी दो नंबर नहीं यूज़ किए, मैंने हमेशा एक ही नंबर यूज़ किया है, और वो नंबर मैंने पब्लिक में आउट कर दिया, और जिसकी वजह से जब व्हाट्सएप खोलो ठीक ठाक मैसेज होते हैं कि बंदा कहता है कि यार किस किस को जवाब दूँ, फिर बाद में हर 15 मिनट के बाद जाना, हर घंटे के बाद कॉल आ जाना, ये नहीं देखते कि रात के टाइम है, दिन का है, या खाने का टाइम है, बस काले ही काले। और जिसकी वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब हुआ, मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था और ना ही मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहता था। मैंने कहा बस आज से ये चैप्टर क्लोज कर देता हूँ यूट्यूब चैनल। फिर यही ख्याल आया कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी इलम नहीं है, जिसकी खातिर मैंने ये चैनल बनाया था। जो लोग चाहते हैं कि हम लोगों को अच्छी ब्रीड मिले, हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, सबसे ज़्यादा कि जिन दोस्तों के बर्ड्स एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है, वो लोग अमूमन मुझे मैसेज करते हैं कि भाई हमारे पास ये वाला तोता था या ये परिंदा था, वो बीमार हो गया, क्या दे क्या ना दे, आप मशवरा दे। और वाकई मशवरा देना पड़ता था, और अगर ना दूँ तो ये गलत बात। मेरे ख्याल से हर एक यूट्यूबर को ये चाहिए कि आपसे कोई मशवरा ले तो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाते जाए, और वो मैंने छोड़ दी थी। और आया भी इसलिए दोबारा कि आप लोगों की यह गलती है, सिर्फ आप लोगों की ये गलती थी कि आप लोगों ने मुझे बार बार डिस्टर्ब किया, काले की मैसेज किए व्हाट्सएप पे। जब नेट ऑन होता था ना, आप यकीन माने कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, ऑफिस का काम कर रहा हूँ, लाजमी बात है किसी के साथ डील करनी पड़ती है, व्हाट्सएप यूज़ करना पड़ता है, तो जिस तरह व्हाट्सएप ऑन किया तो काले शुरू, जिस तरह फेसबुक का आईडी ऑन की, ठीक है, वीडियो कॉल मैसेज आना शुरू, और काफ़ी हद से ज़्यादा मैं डिस्टर्ब हुआ। एक होता ना बंदा थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है, वो आपको पता है कि 2 महीने हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई, समथिंग 2 महीने तो हो ही गए हैं। और यहाँ तक कि यूट्यूब वालों ने मोनेटाइजर भी जो है वो ऑफ़ कर दिया, उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि उन्होंने ऑफ़ कर दिया, ये जो भी है ठीक है, उससे मुझे अर्निंग हो रही थी फिर भी मुझे कोई मसला नहीं हुआ, ऑफ़ कर दिया उन्होंने। पर मेन जो पॉइंट ये था कि एक छोटे बच्चे ने मुझे कल मैसेज किया कि भाई मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे साथ ये मसला है, दुकानदार ने मेरे साथ ये धोखा किया, ये बर्ड्स लेकर आया था, आप बताए क्या करें। जब मैंने वो बर्ड्स देखे तो मैंने कहा ये तो बच्चे हैं, और आपने कितने के ख़रीदे हैं? उसने मुझे रेट बताया, तो रेट उस बंदे ने ऐसा लगाया हुआ था जिस तरह एक ब्रीडर पेयर का जोड़े का रेट होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। प्लीज़ काइंडली आप लोगों के साथ मैं रब्ता करूँगा, पर आप लोग की भी मेहरबानी होगी कि आप लोग कोशिश करें कि अगर आप मुझे मैसेज करते या व्हाट्सअप करते या कॉल करते तो टाइम को देखकर, या सबसे अच्छा तरीका ये कि आप मुझे मैसेज करें व्हाट्सअप पे, नहीं आम मैसेज करें, उसमें जब मैं आपको रिप्लाई दे दूँ जी हाँ मैं व्हाट्सअप पे आ रहा हूँ, आप बात कर सकते हैं मुझसे, तो फिर मैं आपके साथ बात कर लूँगा। अगर जवाब आपको नहीं आएगा तो समझ जाना कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ या किसी ऐसी जगह पर बैठा हुआ हूँ कि जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ बात नहीं कर सकता। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ, रेगुलर वीडियो बनाऊँ, और कुछ नहीं। एंड थैंक यू सो मच,
इतना सारा प्यार देने के लिए। शुक्रिया।